इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब चीन भी वहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुट गया है। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन अब इस्लामाबाद से पेशावर और फिर काबुल तक सड़क बनाने की योजना पर काम कर रहा है। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के होने की वजह से चीन का ये प्लान पिछले 5 साल से लटका हुआ था, लेकिन पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री ने तालिबान के नेताओं से इस मुद्दे पर मुलाकात कर बातचीत भी की थी। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अब देखिए, अब यहाँ पर जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान पर उसने कब्जा कर लिया है, एक आसानी पैदा कर दी है उसने चीन के लिए, और अब चीन तालिबान के साथ मिलकर अपना जाल बिछाने में जुट गया है। बिल्कुल, देखिए, चीन लगातार कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरीके से उसका BRI प्रोजेक्ट, जो कि शी जिनपिंग का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसको बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान में उस पर काम चल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान पिछले 5 साल से हालांकि फॉर्मल मेंबर जरूर है BRI का, लेकिन कभी उसने इसकी मंजूरी नहीं दी। उसकी पीछे वजह थी कि अमेरिका वहां पे था और घनी सरकार जो है वो इसको अप्रूवल नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही अब अफगानिस्तान वहां से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना गई है और अब वहां तालिबान जो है शासन कर रहा है, तो ऐसे में अब वो जो है उस प्लान आउट को जो है अब दोबारा से जमीन पे जो है उतारना शुरू कर दिया है उन्होंने। हालांकि चीन को इस बात का भी डर है कि वहां पे जिस तरीके की सिक्योरिटी सिचुएशंस है वो जो है उनके लिए खतरा पैदा कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से पिछले महीने ही जो है तालिबान के बड़े लीडरों के साथ जो है वांग यी की मुलाकात हुई थी और उन्होंने जो है अपने इलाके अपने इंटरेस्ट में जो वहां के जो आतंकी गुट है उनके निशाने जो किए जाते थे उसको लेकर चर्चा की थी और साथ ही BRI प्रोजेक्ट को लेकर भी जो है बातचीत की थी। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि तालिबान में जैसे ही कोई ऐसी सरकार आती है जो कि एस्टैब्लिश होती है तो इस प्रोजेक्ट पर जो है वो तेजी से काम कर सकता है। ये रूट जो है CPEC को इस्लामाबाद से पेशावर, पेशावर से सीधा काबुल तक जोड़ेगा। ये एक लैंड रोड है और इससे जो है काफी आसानी हो जाएगी अफगानिस्तान को टच करने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान जो है मिनरल ओट और इसका बहुत ज्यादा भंडार वहां पे है, और अगर तो चाइना उस तरफ से इस बेल्ट रोड प्रोजेक्ट को भी अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है तो वो उसके लिए आसानी होगी। तो अभी फिलहाल चीन को लग रहा है कि अब जिस तरीके की स्थितियां हैं, सरकार वहां पे तालिबान बना रही है, तो ऐसे में उनका जो BRI प्रोजेक्ट का जो एक मॉडल जो उन्होंने तैयार किया था वो भी पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने तो 5 बड़े रेल लिंक्स भी जो है प्लान किए हुए हैं कि जो है अफगानिस्तान के साथ जो है उसको कनेक्ट करने के लिए, लेकिन अब चूंकि अब वहां पे अफगानिस्तान में सरकार नहीं है तो ये तालिबान है, तो ऐसे में चीन को लग रहा है कि जो ऐसी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो BRI के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अफगानिस्तान को शामिल करना है, उस पर काम तेजी से शुरू कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि तालिबान जो है अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए और बड़ी कंट्री का सपोर्ट लेने के लिए इन प्रोजेक्ट्स पर हामी। बिल्कुल संदीप, और बहुत लंबे समय से चीन अफगानिस्तान पर नजर बनाए हुए था, लेकिन जैसे ही तालिबान ने वहां पर कब्जा किया चीन को काम आसान लगने लगा। वहीं अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने CNN से बातचीत में अफगानिस्तान के हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। अमरुल्ला सालेह ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की मदद से तालिबान मजबूत हुआ जिसकी वजह से अफगानिस्तान पर उसने कब्जा किया। सालेह ने अमेरिका को भी आड़े हाथ लेते हुए अफगानिस्तान से अचानक जाने के फैसले पर उनको घेर लिया। सालेह के मुताबिक अमेरिका ने कई राजनीतिक फैसले गलत लिए जिसकी वजह से वो भी दुनिया के सामने अपमानित हो रहा है और उसकी कीमत चुका रहा है। सालेह ने दावा किया कि वो तालिबान से हर हालत में लड़ते रहेंगे और उनसे हार नहीं मानेंगे। सालेह ने पंजशीर पर पूरी तरह से नियंत्रण होने का दावा किया। So, who do you blame for the Taliban takeover or Afghanistan and why? It's very clear the Taliban were never under pressure in Pakistan. They used Pakistan as a support base. They were not having sanctuaries there. The whole of Pakistan was in the service of the Taliban. United States tried to incentivize the Pakistani cooperation to buy it. The more they paid, it more emboldened the Pakistanis to provide more services and more aid to the Taliban. So the issue of a nuclear state sponsoring terrorism and insurgency against our Western allies and the Afghan state was never addressed. What do you think of American attitude and behavior during this period, during this episode, their sudden departure and leaving so many arms and ammunition and reports that all are arms? I think they are watching what they did on TV screens, and they are seeing how the world media is now
dominated by negative anti-American headlines. United States is a civilization, it's a global power, it's the mightiest military power on earth, and we never wish them bad. But this shows a single wrong political judgment humiliates a superpower like the United States. It wasn't ever about the American military or about the American intelligence. It was the wrong judgment of the politicians, and I think they have started to pay the price for their wrong decision. और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां तालिबान ने साफ किया है कि अफगानिस्तान को चलाने के लिए वो 12 लोगों की एक परिषद का गठन करेगा, जिसमें पिछली सरकार के कुछ सदस्यों को भी मंत्रालय में जगह दी जाएगी। तालिबान के मुताबिक वो वहां एक मिलीजुली सरकार बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही तालिबान ने यह भी साफ किया है कि वो सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है और इसके लिए उसके प्रयास जारी रहेंगे। तालिबान की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो सभी विदेशी दूतावासों को सुरक्षा भी मुहैया कराएगा। तालिबान ने भरोसा दिया कि वो अलकायदा समेत किसी भी आतंकी संगठन को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं करने देगा। वहीं पंजशीर के मुद्दे पर तालिबान ने साफ किया है कि वो अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से में हिंसा नहीं चाहते और कोशिश है कि बातचीत से मुद्दे को सुलझा लिया जाए। नीरज कुमार दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, दावे बहुत सारे हो रहे हैं, भरोसा भी दिया जा रहा है, लेकिन क्या सरकार बनने के बाद तालिबान पलटेगा नहीं, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, वेट एंड वॉच करना होगा पूरे मामले में। तालिबान बार बार ये दावा कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से उसे मान्यता दी जाए। दूसरी अहम बात कि अपने आप को नया तालिबान बताने की कोशिश की जा रही है तालिबान की तरफ से। देखिए, दो घटनाएं आपको ध्यान रखनी होगी। आपको याद होगा कि 150 भारतीय के बंधक बनाने की खबर आई थी, तालिबान ने इनकार किया था और वो खबर गलत साबित हुई थी। कल की खबर है कि यूक्रेन के विमान को अपहरण की खबर आई थी, हाईजैक करने की खबर आई थी, वो भी खबर गलत निकली। तो ऐसे वक्त में जब अब तक तालिबान ने पूरी तरह से सत्ता पर अपने आपको काबिज नहीं किया है, तो इस तरह की घटना को अंजाम दिया, तालिबान इस तरह की घटनाओं को भविष्य में भी अंजाम दे, इसकी संभावना आज की तारीख में तालिबान के दावे की वजह से कम लगती है। लेकिन आने वाले वक्त में तालिबान, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड फोर्स सही है तालिबान, और किस तरह से आने वाले वक्त में काम करेगा सरकार बनने के बाद, शरिया कानून तो घरेलू मोर्चे पे लागू जरूर करेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्या उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होगा, ये इंश्योर करना होगा तालिबान को। क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न तमाम देशों के लिए जो है वो यही है कि तालिबान से आतंकवाद दूसरी जगह ना फैले। आपको याद होगा कि पिछली बार 2001 में जब अलकायदा का चीफ उसामा बिन लादेन वहां मौजूद था और अमेरिका ने मांग की थी और जब तालिबान ने देने से इनकार कर दिया था, तब हमला किया गया था और एक महीने के अंदर तालिबान को नेस्तनाबूद कर दिया गया था वहां से। दूसरी अहम बात 1998 का मसला है, कंधार में जब इंडियन भारतीय विमान को ले जाया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली है कि आतंकवाद को बढ़ावा ना मिले पूरे घटनाक्रम से, और तालिबान कोशिश कर रहा है कि अपने आप को एक नया तालिबान बताए, लेकिन वक्त का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, और यहाँ पर तमाम दावे भी किए जा रहे हैं तालिबान की ओर से, और वो कह रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, हालांकि हरकतें उसकी आतंकवादियों की तरह ही होती हैं। वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां हालात दिन ब दिन अब खराब होते जा रहे हैं। इस बीच देश छोड़ने के लिए हजारों की संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट पर डटे हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट से आज जो तस्वीर सामने आई उसने फिर साबित कर दिया कि वहां हालात कितने खराब हो चुके हैं। लोगों की भारी भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर डटी हुई है। अफगानिस्तान के नागरिक किसी तरह से बस देश छोड़कर निकल जाना चाहते हैं। हालात ये हो गए हैं कि उन्हें संभालना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, लोगों की भीड़ कितनी वहां पर उमड़ी हुई है आप देख सकते हैं। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए, अभी भी लोग दहशत में हैं और चाहते हैं किसी भी तरह काबुल एयरपोर्ट तक पहुंच जाए, क्योंकि वहां पर अभी फिलहाल अमेरिकी सेना ने अपना घेरा बनाया हुआ है और ये दर्शाता कि है कि वहां पर कितने हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि दावा तालिबान का कुछ और ही है। देखिए, बिल्कुल, काबुल में जो नॉर्थ गेट है, एक गेट है, वहाँ तालिबान और अमेरिकी फौज दोनों, देखिए, जो बाहर निकालने की कार्रवाई है तमाम देशों के नागरिकों को, उसमें तालिबान के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, संदेह की बात नहीं है। क्योंकि कई विजुअल्स ऐसे हैं जिसमें आपको अमेरिकी फौज और तालिबान के लड़ाके आपको आमने सामने दिख जाएंगे और एक दूसरे को अंदर प्रवेश कराने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर हिस्सा अमेरिकी फौज के कब्जे में, 5800 अमेरिकी फौज इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर है, लेकिन बाहरी इलाका जो होटल से किसी को आना है बाहरी इलाके तक एयरपोर्ट के, तो उसके लिए आपको इंतजार करना होता है, उसके लिए कई चेक पोस्ट पार करने होते हैं, तो इसमें तालिबान की तरफ से मदद की जा रही है। लेकिन तालिबान ने चेतावनी भी दे दी अमेरिका को कि आप 31 अगस्त से पहले जो है
वो आप सभी लोगों को निकालिए। और अमेरिका भी इस बात से सहमत है कि वो 31 अगस्त तक तमाम इवैक्यूएशन प्रोसेस को पूरा कर लेगा। लेकिन सवाल सिर्फ अमेरिका का नहीं है, बाकी जो देश हैं उनको भी अपने लोगों को निकालना है। भारत के भी अभी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ मौजूद हैं, उनको भी निकालना है। और अमेरिकी मदद और तालिबान की मदद भी इसमें ज़रूरी होगी। तो एक और आपको बात बता दें कि जो लोग भी निकाले जा रहे हैं, तालिबान इस बात से परेशान है कि स्किल्ड लोग जो कि कौशल हैं, जिनका इस्तेमाल तालिबान की सरकार में किया जा सकता है, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में किया जा सकता है, उनको बाहर भेजने के पक्ष में नहीं। और इसी बात से खींचा हुआ है तालिबान, क्योंकि लगातार वहां पर कई ऐसे अफगानी नागरिक हैं, जैसा कि नीरज ने भी कहा, कई स्किल्ड नागरिक हैं जिनको बाहर निकाला जा रहा है, और इसी बात से गुस्से में है तालिबान। वहीं अफगानिस्तान में हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, इसकी एक और तस्वीर काबुल से आई, जहां पैसे निकालने के लिए लोगों की भीड़ बैंकों के बाहर जुटी हुई दिखाई दी है। बैंक बंद होने से वहां लोगों के सामने पैसों की समस्या अब खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से खाने पीने की परेशानी भी अब उनके सामने खड़ी हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान भले ही बेहतर सरकार चलाने और लोगों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करता हो, लेकिन हालात वहां कुछ और ही हैं। अफगान नागरिकों को तालिबान की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है, और यही वजह है कि लोग देश छोड़ने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलकर काबुल पहुंच रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि सैकड़ों लोग कंधे पर अपना सामान लादे पैदल चलकर काबुल पहुंच रहे हैं। इस दौरान पूरे इलाके में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान से कल भारत लौटे 16 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर है कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही जितने लोग भी अफगानिस्तान से उनके साथ आए थे उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा भी उन लोगों में शामिल थे जो कल अफगानिस्तान से आए लोगों से मिले थे। तजिंदर बग्गा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि अफगानिस्तान से 3 सिख जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेकर आए थे कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिनके संपर्क में आने के कारण मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। देश के अलग अलग शहरों के सिख समुदाय के लोगों ने अफगानिस्तान में फंसे हुए सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पावन स्वरूपों को भारत लाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपों और 40 से ज्यादा अफगान सिख और हिंदुओं को सुरक्षित भारत लाया गया है। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने हमेशा ही सिख समाज का साथ दिया है, वो निस्वार्थ भाव से गुरु जी की सेवा करते हैं, इसलिए दुनिया भर में चमक रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी को पूरी निष्ठा के साथ पूरे स्वरूप का जो एक तरीका होता है उसके साथ भारत में लाना, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के केंद्र के 2-2 मंत्रियों का रिसीव करना, ये मोदी जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी जात बिरादरियों के लिए इसमें उपदेश साझा थे, उसका जो स्वरूप को सम्मान स्वरूप लाए हैं उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं है, और इसके लिए मोदी जी की सरकार उनके सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद।